ऑलमोस्ट आधा लीग स्टेज खत्म होने आया है एंड अब हम देखते हैं कि इंडिया का क्वालिफिकेशन केस क्या है। तो इंडिया का फर्स्ट लॉस अगेंस्ट न्यूजीलैंड काफ़ी एक्सपेंसिव था, 58 रन से हम हारे, विच इज़ वाई हमारा नेट 100 बहुत कम है। एंड उसके बाद भी हम पाकिस्तान के अगेंस्ट टारगेट बहुत ईजिली चेज नहीं कर पाए, हमने अपना टाइम लिया, तो नेट 100 काफ़ी कम है। और ऑस्ट्रेलिया ने तो जो भी मैचेस जीते हैं वो बहुत बड़े मार्जिन से जीते हैं, एंड अभी अपना रिसेंट मैच न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी काफ़ी बड़े मार्जिन से जीता है, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया इज सिटिंग एट द टॉप ऑफ द टेबल विद 2 wins in 2 matches। सो अब इंडिया के द वे फॉरवर्ड इज कि इंडिया अपनी दोनों मैचेस जीते, श्रीलंका के अगेंस्ट और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, एंड इंडिया को ये भी ट्राई करना है कि वो बड़े मार्जिन से जीते, क्योंकि न्यूजीलैंड के नेक्स्ट जो दो मैचेस है वो है श्रीलंका और पाकिस्तान के अगेंस्ट, एंड न्यूजीलैंड भी अपना पूरा बेस्ट ट्राई करेगी वो दोनों जीतने का। तो इंडिया को उस वे में अपने नेट 100 पे काफ़ी फोकस रखना है ये दोनों मैचेस में। एंड इन केस न्यूजीलैंड अपना एक मैच हार जाती है, या तो श्रीलंका या तो पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो इंडिया का बेटर चांस रहेगा अगर वो दोनों मैचेस जीतती है प्रोवाइडेड। बट अगर इंडिया एक मैच खुद हार जाती है, मे बी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, तो फिर इंडिया को ये होप करना पड़ेगा कि न्यूजीलैंड भी अपना नेक्स्ट मैच हार जाए, जो कि होगा पाकिस्तान के अगेंस्ट या तो श्रीलंका के अगेंस्ट। तो बेटर सिचुएशन ये होगा कि न्यूजीलैंड श्रीलंका के अगेंस्ट हार जाए एंड ना कि पाकिस्तान के अगेंस्ट, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान के अगेंस्ट हार गई तो पाकिस्तान के भी 4 points रहेंगे, इंडिया के भी 4 points रहेंगे और न्यूजीलैंड के भी 4 points रहेंगे। तब ऐसा होगा कि 3 teams फाइट करें एक स्पॉट के लिए, जो कि बहुत टफ होगा। तो आइडियली सिचुएशन ये रहना चाहिए कि इंडिया अपना बेस्ट ट्राई करे दोनों मैचेस जीतने का, एंड वो भी बड़े मार्जिन से, एंड ऑल्सो होप करे कि न्यूजीलैंड वहाँ तक नहीं पहुँच पाए।